जो फ्लैट हम आपको दिखा रहे हैं ये वास्तु के हिसाब से भी बहुत बढ़िया है। आज जो आपका फ्लैट है ऐसा होने वाला है कि आप गेट से एंटर करोगे, एंटर करते ही आपका पहला फ्लैट होगा मेन राजा हरिश्चंद्र रोड से। आप जैसे ही एंटर करते हो आपके फ्लैट आ जाते हैं, और फ्लैट भी ऐसा जो थ्री साइड ओपन है, कॉर्नर का है, और गेट से एंटर करते ही आपका पहला फ्लैट है जिसका फ्रंट भी 18 का है और बहुत ही बढ़िया फ्लैट है। और मेन राजा हरिश्चंद्र रोड पे 40 मीटर रोड से जैसे ही आप एंटर करते हो और आपका फ्लैट आ जाता है, गेट से एंटर करते ही पहला फ्लैट है आपका, वो भी कॉर्नर का, और आसपास बहुत ही बढ़िया सोसाइटी है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो नंबर एक की प्रॉपर्टी है, अगर आप रहना चाहते हो तो भी नंबर एक की प्रॉपर्टी है, बहुत ही बढ़िया सोसाइटी है। इन फ्लैटों में कोई डॉक्टर रह रहा है, कोई इंजीनियर रह रहा है, बहुत ही बढ़िया फ्लैट है, सब अच्छे लोग रह रहे हैं, और मार्केट वगैरह हर एक चीज पास में है। हर 5 मिनट में आपको यहाँ बस मिलती है। केंद्रीय विद्यालय स्कूल यहाँ से मुश्किल से आधा किलोमीटर भी नहीं है, 500 मीटर पे आपको केंद्रीय विद्यालय स्कूल मिलता है, प्रतिभा स्कूल भी आपको 500 मीटर पे मिलता है, और डीएवी स्कूल भी आपको 1 किलोमीटर पे मिलता है। बहुत ही बढ़िया फ्लैट है, लेके चलते हैं आपको दिखाते हैं यहाँ की मार्केट। और ये जो फ्लैट आपको दिखाया है ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, पक्की रजिस्ट्री है, और फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। तो ऐसी प्रॉपर्टी दिल्ली जैसे शहर में होना बहुत ही मुश्किल है, आपको लेके चलते हैं बहुत ही बेहतरीन फ्लैट दिखाने। हेलो नमस्ते दोस्तों, आज हम आए हैं महादेव अपार्टमेंट के अंदर, और महादेव अपार्टमेंट दोनों चारों तरफ से बाउंड्री वॉल के अंदर है, और आज हम इसके अंदर जा रहे हैं। हेलो नमस्ते दोस्तों, नारंग प्रॉपर्टीज़ की तरफ से आज मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आपको लेकर आए हैं महादेव अपार्टमेंट नरेला सेक्टर A9, और आज जो हम आपको फ्लैट दिखाने आए हैं वो LIG है। पहले मैं आपको बता देती हूँ ये पॉकेट कहाँ पर पड़ती है। अभी मैं खड़ी हूँ, ये सामने है मेरे राजा हरिश्चंद्र रोड जो यहाँ से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर है, और जैसे ही आप यहाँ से अंदर आते हैं तो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है महादेव अपार्टमेंट्स। तो अब हम इसके अंदर चलेंगे और आपको दिखाएंगे LIG फ्लैट। तो चलो अब हम इसके अंदर चलते हैं। ये है हमारा LIG फ्लैट। जैसे ही हम गेट से एंटर होते हैं तो ये पहला ही LIG फ्लैट है जो आज हम आपको दिखाने आए हैं। तो ये महादेव अपार्टमेंट में ग्राउंड फ्लोर आ रहा है। तो ये हम जैसे एंटर हुए तो ये एंट्रेंस पे मेन पार्क है इनका, और मेन पार्क में है मंदिर। तो चलो अंदर मंदिर भी चलते हैं, एक बार मंदिर के भी दर्शन करे जाएं। तो ये मंदिर बना हुआ है महादेव अपार्टमेंट में। तो अब हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं। तो इस अपार्टमेंट में सारी सुविधाएं हैं, आप देख सकते हैं चारों तरफ फ्लैट बने हुए हैं इस मंदिर के, इस पार्क के। ये सेंट्रल पार्क है, सेंट्रल पार्क में ही यहाँ मंदिर बना हुआ है। और अब हम आपको लेके चलते हैं, हमने मंदिर में भगवान के दर्शन कर लिए, अब हम आपको फ्लैट की तरफ लेके चलते हैं। तो चलो चलते हैं अपने फ्लैट की तरफ।
हेलो नमस्ते दोस्तों, आज हम आए हुए हैं महादेव अपार्टमेंट में और आज हम मिलने जा रहे हैं यहाँ ही के रहने वाले। आप मैम अपना नाम बताइए। ज्योति घोलप। अच्छा, आप यहीं रहते हैं महादेव अपार्टमेंट में? कितना टाइम हो गया आपको यहाँ रहते हुए? 10 साल हो गए। अच्छा, 10 साल हो गए। 2005 से ना, 16 साल। अच्छा, 16 साल हो गए आपको। और यहाँ पे रहना आपको कैसा लग रहा है, इतना साल आप यहाँ रहे? बहुत बढ़िया। अभी देखो सारे लोग आ गए, पूरे 90% तो यहाँ लोग अब बसे हैं। शुरू में तो नहीं थे, लेकिन अभी पूरा एकदम इतना अच्छा है। यहाँ के लोग तो बहुत अच्छे हैं, रिच फैमिली यहाँ पे तो। और पास, यहाँ पास में केंद्रीय विद्यालय है। अच्छा अच्छा। 100 मीटर अंतर पे ये जो राजा हरिश्चंद है, प्राइवेट स्कूल भी है, डीएवी स्कूल भी है यहाँ पे। अच्छा अच्छा। पास में जैसे सब्जी के लिए जो पकड़ो, जो लेडीज़ के लोग क्या होता है कि सब्जी क्या, यहाँ मार्केट है, बुद्ध बाजार है, और लेफ्ट हैंड में यहाँ शुक्र बाजार है, और नरेला में तो पूछो मत, सब चीज़ है, सब चीज़ मिलती है। एशिया की तो मंडी है यहाँ पे, बताओ, सब्जी है, होलसेल मार्केट है, सब चीज़, कोई चिंता नहीं। बस एक बस है लो, DDA फ्लैट, सेफ्टी है, पहले से बहुत सेफ्टी हो गई है, पहले तो नहीं थी, अभी तो बहुत सेफ्टी है। और बसेस है यहाँ पे, 5-5 मिनट के अंतर बसेस है, और ये तो गेट के पास ही, और तुमको वो भी मिलेगा, रिक्शा भी मिल जाएगा, बहुत जैसे बहुत एकदम मतलब बहुत शांति मिलती है, एकदम ऐसे सुकून मिलता है, जैसे गांव में जैसे रहते ना, एकदम शांति, एकदम मस्त, एकदम लोग बहुत अच्छे यहाँ के, कोऑपरेटिव है। और क्या बताऊँ, क्या मतलब पूछो मत, बस मजे ही मजे, बस जो लेगा उसी को पता है क्या है। नहीं, सबने तो बहुत किया, हमारे बच्चे तो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते थे। हाँ, अभी तो केंद्रीय विद्यालय भी कितने बड़े, 12th तक है अभी, 12th तक हो गई, पूरे 12th तक हो गई है। यहाँ से ज़्यादा दूर तो नहीं है केंद्रीय विद्यालय? कितना दूर है यहाँ से? 200 किलोमीटर होगा ज़्यादा। 200 किलोमीटर? 200 किलोमीटर कौन जाएगा, कट कर देना। कितना कितना दूर है यहाँ से? 100 मीटर। अच्छा, और बाकी मार्केट वगैरह यहाँ पे कोई बड़ी DDA मार्केट वगैरह भी है पास में? हाँ, पास में ही है, 50 मीटर दूरी पे। अच्छा, DDA मार्केट है यहाँ से। यानी यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है? लाइट पानी अच्छी है यहाँ पे? लाइट है, पानी भी बहुत अच्छा, सुबह शाम पानी आता है। अच्छा, सुबह शाम पानी आता है, पानी आता है, लाइट है। ठीक है, धन्यवाद जी। आज हम आपको दिखाने आए हैं LIG फ्लैट, जो गेट से सीधा अंदर घुसते ही पहला फ्लैट है। ये LIG फ्लैट है, नरेला के अंदर पड़ने वाला। ये कॉर्नर पीस है, फ्री होल्ड है, इनकी पक्की रजिस्ट्री है, इन पे लोन भी अवेलेबल है। आप आएँ और ये फ्लैट ज़रूर विज़िट करें। तो आइए पहले मैं इस फ्लैट के बारे में आपको बता देती हूँ। ये LIG फ्लैट है 1 BHK, जिसका फ्रंट है कम से कम 24 फुट और इसकी गहराई भी लगभग इतनी ही है, 24 फुट के आसपास की इसकी गहराई है। ये कॉर्नर पीस है, 3 साइड ओपन है और इसके तीनों तरफ, ये कॉर्नर 2 साइड ओपन नहीं, 3 साइड ओपन है और तीनों तरफ काफ़ी वाइड स्पेस है जो आप कवर कर सकते हो एंड उसका यूज़ कर सकते हो। साथ में इसके साथ में बैक में एक पार्क है जो कम से कम 15x20 का है, इसको भी आप पर्सनली यूज़ कर सकते हो। आप पर्सनल कुछ गार्डनिंग करना चाहो वो कर सकते हो। साथ साथ इस साइड भी यहाँ पे ग्रीन बेल्ट है, जिसको जिसमें भी आप गार्डनिंग, ट्री, कुछ भी ग्रो कर सकते हो। तो आइए चले हम आपको ये फ्लैट दिखाते हैं। इसकी फ्रंट में भी स्पेस है जो कम से कम 30x7 फुट का है। आप इन फ्यूचर इतना ये स्पेस भी फ्रंट साइड से कवर कर सकते हो। और दूसरा, ये इसके साइड में स्पेस है, ये भी 7x30 के आसपास का स्पेस है जो फ्यूचर में ये भी कवर करा जा सकता है। और इसके जो बैक में स्पेस है वो लगभग 12x18 का स्पेस है। यानी अगर आप ये 1 BHK फ्लैट लेते हो तो इतना स्पेस आपको एक्स्ट्रा मिलता है फॉर द फ्यूचर कवरिंग। इन फ्लैटों में
जो मीटर वगैरह लगे हुए हैं उसके लिए सेपरेट स्पेस दिया हुआ है, ये सारा स्पेस मीटर बॉक्सेस के लिए है। साथ में यहाँ पे ये टू साइड ओपन फ्लैट हैं, तो एक इसकी एंट्रेंस इस साइड से होती है और ये फ्लैट को आप कमर्शियली भी यूज़ कर सकते हो। बिल्कुल ये महादेव अपार्टमेंट में पड़ता है। आप आसपास की भी सोसाइटी देखो कितनी बढ़िया है। यहाँ पे ज़्यादातर एजुकेटेड लोग रहते हैं जो जॉब कर रहे हैं, जिनकी गवर्नमेंट जॉब है, टीचर्स, बिजनेसमैन, इस तरीके के लोग यहाँ पे रह रहे हैं। हम आपको थोड़ा सोसाइटी का भी राउंड देंगे। ये देखिए यहाँ फ्रंट में भी पार्क है, उसके अलावा काफ़ी अच्छी सोसाइटी है इसके आसपास। और ये है हमारा फ्लैट जो बिल्कुल गेट से घुसते ही पहला पीस पड़ता है। तो चलो इसके अंदर चलते हैं और हम आपको ये फ्लैट अंदर से दिखाते हैं। हेलो नमस्ते दोस्तों, तो चलो अब इस रूम के अंदर चलते हैं और हम आपको LIG का पहला रूम दिखाते हैं। ये LIG का पहला रूम है जो काफ़ी बड़ा है, स्पेशियस। ये रूम काफ़ी बड़ा है एंड स्पेशियस है, इसमें विंडो लगी हुई है। इस विंडो से काफ़ी अच्छी धूप और हवा दोनों आते हैं। ये फ्लैट के फ्रंट की तरफ ओपन होती है जो हमने अभी आपको बाहर से दिखाया है फ्लैट। तो आप देखिए काफ़ी बड़ा स्पेस है इस रूम के अंदर, काफ़ी क्लीन है, लाइट पानी बिजली सारा कनेक्शन इस रूम में हुआ हुआ है और विंडोज़ पे लकड़ी वुडन की फिटिंग्स भी हुई हुई है इसमें। तो और साथ में यहाँ पे भी इन्होंने वुडन की फिटिंग करा रखी है, अगर आपका कोई भी सामान है आप इसमें रख सकते हैं। सफ़ेदी वगैरह भी अच्छी हुई हुई है रूम के अंदर, दरवाज़ों पे पेंट हुआ हुआ है। जो ये पहला रूम है LIG फ्लैट का नरेला में, ये पूरा फ्लैट 50 गज का है और पहला रूम इस फ्लैट का 12x12 का है। तो चलो अब हम यहाँ से आपको पूरा फ्लैट दिखाते हैं। ये फर्स्ट रूम था, इसके बाद थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम है तो मैं फ्लैश ऑन करती हूँ। हाँ, जैसे हम यहाँ से आते हैं तो यहाँ वॉश बेसिन लगा हुआ है, साथ ही में यहाँ पे ये इसका बाथरूम है, ये टॉयलेट है इसका। इस टॉयलेट में भी विंडो लगी हुई है जो सीधा पार्क की तरफ ओपन होती है, तो यानी इसमें भी आपको वेंटिलेशन की कोई दिक्कत नहीं। साथ में इसमें सिस्टम और बाकी सिस्टम लगे हुए हैं, वॉश बेसिन भी लगा हुआ है। इसी के साथ में जैसे ही ये टॉयलेट ख़त्म होता है यहाँ पे है बाथरूम, बाथरूम में भी सारी फिटिंग्स हुई हुई हैं। सामने वेंटिलेशन के लिए इन्होंने विंडो भी दे रखी है जो अगेन पीछे मैंने आपको पार्क दिखाया था उसकी तरफ ओपन होती है। रूम जो बाथरूम है वो भी काफ़ी स्पेशियस है आप देख सकते हैं, और टैप्स की फिटिंग इसमें हुई हुई है और ये शेल्फ भी बनी हुई है आपका एक्स्ट्रा सामान रखने के लिए इसके अंदर। तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अगर हम यहाँ से मुड़े तो सामने किचन है और किचन की तरफ यहाँ और यहाँ पे दूसरा रूम है। तो पहले किचन देखते हैं फिर सेकंड रूम देखें। तो इस तरफ किचन पड़ती है इसकी, किचन काफ़ी स्पेशियस है, आपको किचन देख के बहुत अच्छा लगेगा। ये जो स्पेस है, हेलो नमस्ते दोस्तों, अब हम इस रूम के किचन में एंटर कर चुके हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो ये L शेप किचन है, ये स्पेस फ्रिज के लिए है, उसके अलावा ये पूरी शेल्फ है, काफ़ी बड़ी रसोई है। आप देखिए पूरे एक रूम की जगह है रसोई के अंदर, और इसमें वुडन फिटिंग भी हुई हुई है, वुडन के कैबिनेट बने हुए हैं तो वो भी आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, इनमें काफ़ी स्पेस है। नीचे भी काफ़ी स्पेस है, यहाँ पे सिंक लगी हुई है,
ये वॉशिंग एरिया हो गया, और ये वाला जो फेस पड़ता है ये पड़ता है ईस्ट फेस। अगर आप वास्तुशास्त्र में बिलीव करते हैं तो यहाँ पे ईस्ट फेसिंग की तरफ किचन भी बनाई गई है ताकि आपको वास्तु से रिलेटेड भी कोई दिक्कत ना हो, और ऊपर एग्जॉस्ट फैन भी लगा हुआ है। बाकी आपको वेंटिलेशन की कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि सामने ही ये जो गेट है ये पार्क की तरफ खुलता है, तो अगर रसोई में धुआं वगैरह भी हो जाएगा तो वो इजीली बाहर चला जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे किचन में इतना स्पेस है कि दो चार जने आराम से खड़े होकर अगर आपके घर में पार्टी है तो खाना बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसके अंदर। फ्रिज के लिए भी सेपरेट स्पेस है, आपको कोई ये नहीं है कि फ्रिज के लिए अलग से जगह या रूम में एडजस्ट करना पड़े फ्रिज। तो किचन काफ़ी खुली है, जो जिसको भी ये घर अच्छा लग रहा है हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और चलो अब हम चलते हैं इसके दूसरे रूम की तरफ। ये रूम भी काफ़ी अच्छा है, आपको यहाँ से आउटसाइड में दिखाई दे रहा होगा, पूरी रोड फेसिंग है ये। ये सेकेंड रूम है इस फ्लैट का, ये फ्लैट 1 BHK है, तो दोनों रूम इक्वल साइज के हैं। इसमें दो रूम है, 1 BHK फ्लैट है ये, दोनों ही रूम इक्वल साइज के हैं। वुडन का वर्क दोनों की विंडोज में हो रखा है, साथ ही में यहाँ पे भी आपको एक वुडन कैबिनेट मिल जाता है कि आपके घर का जो एक्स्ट्रा सामान है वो आप इसमें रख सकते हैं। तो चलिए अब मैंने आपको ये फ्लैट दिखा दिया है, ये LIG फ्लैट है, फ्री होल्ड है, 1 BHK है, 50 गज का इनका एरिया है, नरेला के अंदर बने हुए फ्लैट है, ये DDA के फ्लैट है, और ये फ्लैट